में इसको कवर कर पाओगे। ठीक है एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो होपफुली को आवाज आवाज परफेक्टली आ रही होगी, अगर आ रही है तो एक बार मुझे बता दो ताकि ऑप्शन को एक बार जल्दी से सब लोग मुझे जो है वो थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर आवाज आवाज परफेक्टली आ रही है और वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है आवाज आवाज परफेक्ट है, ऑल राइट। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टाइम अपने पास थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले एक घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन कवर कर सके और साथ में जो है इनके आंसर है जो कि लगा सके। ठीक है गाइज, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो घबराना मत, है ना। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सुबह 5 बजे और 8 बजे वाला क्वेश्चन अगर आप रेगुलर कवर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग नियर बाय 70% पे अगर आंसर सही लगा पाए तो यकीन मानिए करंट अफेयर आपका बहुत ज़बरदस्त तैयार है और आपको कोई समस्या एग्जाम में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करें तो, है ना, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँ, तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा BHU10 या फिर BHU10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में, PCSO, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, ओके, PDF, ओके, सब कुछ आपको आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, SSC है, UPSC है, जो भी गोल है, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे, और आपको यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइज, और ठीक है, और अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी किस वाली कैटेगरी में, SSC कैटेगरी में, यहाँ पे कंप्लीट GK में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज हैं जो कि मिल जाएंगे। और डेली शाम में 6 बजे अपनी प्लस स्पेशल क्लास होती है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 10 बजे और 6 बजे, डेली 10 बजे मॉर्निंग में और 6 बजे, दो जगह आपको प्लस क्लास स्पेशल क्लासेस मिलेगी फ्री, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है तो एक बच्चे की एजुकेशन भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन, है ना, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेके ₹500 पर मंथ में आप एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल बच्चे की मिल जाएगी। चलिए आज का पहला सवाल है, मंथली फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखो अगर हम लोग कवर कर रहे हैं ना, ये आपके पहली बात तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो इन्हें कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको एग्जाम से पहले जाके रिवाइज करके आइएगा। चलिए जल्दी बताइए, मंथली फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ओके, आंसर बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। हाँ आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका सी, आप लोग है ना कॉपी पे भी आंसर लगा सकते हो और अपना सही और गलत भी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 200 क्वेश्चन कवर करने के अंदर आप हम लोग 1 घंटा 1.25 घंटे में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, बस थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है आपके रोम के अंदर, है ना, उनके द्वारा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स है, एक मंथली चेंजेस है जिसके अंदर सीरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, शुगर, इन सब का एक बास्केट बना के उसकी प्राइस है फूड की जो कि रिलीज करी गई है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, ये बताई गई है और अभी तक का 2014 के बाद में हाईएस्ट लेवल है जो कि प्राइसेस के महंगाई का बताया गया है, है ना, ऑल राइट। इवान ड्यूक जो कि प्रेसिडेंट बने कंट्री के दोस्तों, जिनके बनने से बहुत ज्यादा हिंसक विरोध है जो कि देखने को मिला है, ये कौन से कंट्री के बने हैं, जल्दी बताइए कौन से कंट्री के ये बने हैं, आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, इवान के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कोलंबिया के बने हैं, समझ गए। देखो ऑस्ट्रेलिया में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्कॉट मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलिया इतना प्यारा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वायलेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है इलेक्शन के टाइम के ऊपर, छोटे से पॉपुलेशन भी बहुत कम है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी नहीं है, चिली के अंदर भी ऐसा अनरेस्ट नहीं है, आपके पास एक कोलंबिया ही ऑप्शन है जो कि बस है, चिली में होती है ऐसी बात नहीं है लेकिन रिसेंटली नहीं हुई है। ठीक है गाइस, तो कोलंबिया आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो टैक्स के रिफॉर्म के प्रपोजल के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट है जो कि किया गया, ओके गाइस, जिसमें 850 लोग इंजर भी हो गए पुलिस और जनता के बीच में प्रोटेस्ट के अंदर। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा आत्मन AI क्या है, एटमैन AI ये दोस्तों क्या है, ये न्यूज के अंदर था पिछले 6 महीने के, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं,
क्वेश्चन का लेवल मैंने तीनों फेज में रखा हुआ है, इजी भी है इसमें क्वेश्चन, मॉडरेट भी है इसमें क्वेश्चन, और इसमें टफ भी है क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इजी और मॉडरेट भी लगाते हो तो आपके 60-70% क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अरे यार सॉरी, ठीक है आंसर आपका हो जाएगा टूल टू डिटेक्ट COVID-19। COVID-19 को दोस्तों डिटेक्ट करने का एक टूल है जो कि बनाया गया था किसके द्वारा, DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है ना, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। ठीक है गाइज, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का यूज करके इसको बनाया गया ताकि COVID-19 को चेक के एक्सरे से जो है वो पता किया जा सके, है ना। चलिए, एक्स कोड गोस्ट दोस्तों क्या है बताइए, ये क्या है एक्स कोड गोस्ट। अगर आप सुबह 8 बजे वाली क्लास रेगुलर करते हैं तो यकीन मानिए आपके आराम से किसी भी एग्जाम के अंदर 70% करंट अफेयर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, आपके MTS और GD के अंदर बहुत काम आएंगे ये दोनों ही, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्जाम है, इसीलिए तो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वरना तो क्या जरूरत थी मुझे बनाने की। CGL तो हो ही चुका है, मेंस में CGL में आता नहीं है, CHSL हो चुका है, तो बाकी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके MTS और GD को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाए। हालांकि लेकिन ये क्वेश्चन आपके बाकी एग्जाम में भी काम आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं अभी 10 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मालवेयर। ठीक है गाइस, ये क्या है, एक मालवेयर है और एक्स कोड गोस्ट, और है ना कई सारे आईफोन और आईपैड के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिला। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, कई सारे डिवाइसेज है जो कि इससे इन्फेक्ट है, जो कि हो गए थे, समझ गए। चलिए अगला सवाल है, वायनाड विंड प्रोजेक्ट जो कि न्यूज में देखने को मिला इज द फर्स्ट कमर्शियल ऑफशोर विंड फार्म ऑफ विच कंट्री। वायनाड विंड प्रोजेक्ट दोस्तों ये कौन से कंट्री का प्रोजेक्ट है, ये आपको यहां पे बताना है। हाँ, IBPS का भी आपका एग्जाम है, बिल्कुल सही है, उसके भी काम आएगा, उसके लिए मैं आपको अलग से भी दे दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन है ना अलग से भी करवा दूंगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे USA जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक फैसला है जो कि लिया गया, पहला कमर्शियल है ना स्केल ऑफशोर विंड फार्म है जो कि बनाया गया है, समझ गए। इसमें 84 टर्बाइन है जो कि अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हैं 12 नॉटिकल माइल दूर है, वहां पर इसको लगाया जा रहा है। 800 मेगावाट एनर्जी जो है ये विंड जो है बनाएंगे। हमारे यहाँ पे विंड एनर्जी की टोटल की बात करें तो कोई मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, कुछ 200-500 MW हो ये, ठीक है मेगावाट होगा, MW होगा, इन्होंने 800 मेगावाट का लगाया है। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में भागीदारी करी है। फर्स्ट प्राइवेट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जा रहे हैं नासा वाले, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, किसके साथ में मिलकर लेके जा रहे हैं ये आपको बताना है, किसके साथ में इन्होंने दोस्तों ये करार है जो कि किया है। आंसर हो जाएगा आपका ओके एक्सियोम डी, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो नासा ने एग्रीमेंट साइन किया है एक्सियोम स्पेस के साथ में, पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होगा जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि लेके आएगा 2022 के अंदर। ठीक है गाइस, है ना, ये प्राइवेटली फंडेड कंपनी है एक, और हॉस्टन के टेक्सास के अंदर है एक्चुअली में। चलिए, HPIV बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण है। HPIV बताइए, एक ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस ये इसका पूरा का पूरा नाम है, और ये क्या कारण है इसका, कारण इसकी बात करें तो ये कारण का क्या है, इसका रेस्पिरेटरी दोस्तों प्रॉब्लम है जिसको ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लीडिंग चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि आपको देखने को इसके अंदर मिलती है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 30-40% निमोनिया के केसेस है जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, किस देश द्वारा 2 वर्गीकृत योगान उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। 2 क्लासिफाइड योगान सैटेलाइट दोस्तों कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है योगान, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चाइना और देखो जापान में से ऑप्शन होगा, नाम से पता लग रहा है चाइना या जापान, इनमें से ये तो जापान तो नहीं है, चाइना दोस्तों इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है,
ठीक है गाइज, तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया था। ओके गाइज, ठीक है, आवाज वाज परफेक्ट है ना? ऑल राइट, आगे बात करते हैं। खिड़की के पास बैठी महिला किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ये किस फेमस आर्टिस्ट की दोस्तों आपको पेंटिंग देखने को मिलती है? जल्दी बताइए। हाँ आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, पैब्लो पिकासो। ओके गाइस, इनके द्वारा ये फेमस सिटिंग नियर ए विंडो है ना, ये पेंटिंग है जो कि 103 मिलियन डॉलर में बेची गई है। कितने हो गए भाई? 700 करोड़ रुपए हो गए समवेयर, 700 करोड़ रुपए के अंदर है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बेची गई है पहली बार दोस्तों। ओके, दिस द फर्स्ट टाइम इन पिछले 2 साल में कि 100 मिलियन मार्क है जो कि किसी पेंटिंग ने कंप्लीट किया है। 1932 की ये पेंटिंग है जो कि बनाई गई थी, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑल सिंथेटिक कैना बाय नोट्स, कैना बाय नोट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही बात है, बी चाइना, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चाइना के द्वारा अनाउंस किया गया कि जितने भी सिंथेटिक कैनबियोनाइट्स है ना, उनको बैंड ड्रग में से किया जाएगा और सबको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्या केमिकल के द्वारा ड्रग बनाए जाते हैं जो कि आपके दिमाग में इंफेक्ट करते हैं? मैरिजुआना का ही दोस्तों फॉर्म है जो कि इसको माना जाता है, मैरिजुआना का ही फॉर्म है जो कि इसको माना जाता है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? आंसर बताइए, बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा बोल रहा है कि सर थोड़ा धीरे करो, फास्ट चलो, या धीरे चल, एक बोल रहा है कि सर धीरे कराओ, एक बोल रहा है कि फास्ट कराओ। क्वेश्चन यार अब मैं कैसे कराऊँ आप बता दो। ठीक है देखो, अपन नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 200 क्वेश्चन है ना, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आपका रिविजन हो सके। डिटेल में तो सुबह 8 बजे हम लोग पढ़ते ही हैं वैसे भी, है ना, तो डिटेल का तो कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। अगर 200 क्वेश्चन की डिटेल कराऊंगा तो सुबह तक कराऊंगा आपको मैं, उसका लॉजिक नहीं है उसका, है ना, सुबह 8 बजे वाले में कर लिया करो। चलिए, बिम्स्टेक क्या है? इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 नेशन है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की। 1997 में इसका फॉर्मेशन किया गया। किस देश ने खुले आसमान की संधि से बाहर निकलने को औपचारिक रूप देने के लिए कानून पर हस्ताक्षर करें? ओपन स्काई ट्रीटी से दोस्तों कौन सा देश है जो कि बाहर आ गया है? ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में बताना है। आंसर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका रशिया। रशिया ने दोस्तों इस ट्रीटी को क्या कर दिया है, साइन इन लॉ और एग्जिट कर दिया। 1992 में यूएसए और रशिया के द्वारा बनाई गई थी, 2002 में इफेक्ट में आई थी। इसमें क्या कर सकते हो कि आप एक दूसरे की टेरिटरी को चेक कर सकते हो, सर्विलियंस कर सकते हो। यहाँ पे रणजीत सिंह हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक, ये कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? रणजीत सिंह दिसाले के बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइए कौन है दोस्तों। आंसर बताइए, बिल्कुल सही है, रणजीत सिंह जी को दोस्तों ये वही है जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, याद है आपको, ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। ओके, टीचिंग प्रोफेशन है और ये वर्ल्ड बैंक के साथ में एडवाइजर के तौर पे दोस्तों बने हैं। ठीक है गाइज, और 12 एडवाइजर जो है अक्रॉस द वर्ल्ड बनाए गए, जिसमें से वन ऑफ देम जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही है। ओके गाइज, टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे इनको इंक्लूड किया गया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, टीचर ही वो आदमी है जो कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है स्टडी को लेकर, है ना, तो एक टीचर अगर आप में से कोई बनना चाहता है तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का, है ना। अगर आप लोगों में सीखने का जुनून नहीं है तो कभी टीचर मत बनो यार, कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में से बहुत सारे टीचर हैं जो सिर्फ टीचिंग पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी मिली हुई है, लेकिन होना नहीं चाहिए। टीचर्स एक वो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिससे देश बनता है, तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है पढ़ाने में, उसी से बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं हो तो बच्चे में कहाँ से क्रिएट करोगे, है ना, बच्चे में नहीं करोगे तो बच्चे को लगेगा कि ये तो कुछ पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है। चलिए, कौन से भारतीय फुटबॉलर जिन्होंने मेसी के इंटरनेशनल रिकॉर्ड को सरपास कर दिया? एक ही प्लेयर है, कई सालों से नाम सुनते आ रहे, फुटबॉल में एक ही नाम मालूम होगा आपको, सुनील छेत्री का, समझ गए? तो ये वो प्लेयर है जिन्होंने नंबर ऑफ जो गोल है ना उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल गोल 74 करे इन्होंने, और दो अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने करे थे, मैसी के 72 गोल इंटरनेशनल मैचेस के अंदर।
उत्तरी अटलांटिक IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल को कौन सी कैटेगरी में रिसेंटली डाला गया? व्हेल को, अटलांटिक के अंदर जो व्हेल मिलती है ना, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर बताइए। जो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल की बात करते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में दोस्तों आपको देखने को मिलती है। समझ गए मेरी बात? यंगर जनरेशन नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल जो है 3 feet शॉर्टर है, जो 20 साल पहले व्हेल हुआ करती थी। ओके, तो बड़ी मुश्किल से एनिमल की हालत ऐसी हो गई है कि जिन्होंने सब कुछ सर्वाइव किया, आंधी तूफान गर्मी बारिश, इंसानों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, तो छोटे भी हो गए बेचारे, है ना, और हालत भी थोड़ी सी खराब हो गई है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको IUCN के द्वारा डाला गया है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डबिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एको डबिंग, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए, आंसर करिए। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश, माउंट एको डबिंग दोस्तों, ये रिसेंटली न्यूज में था। ओके, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक जो है, दो स्पीशीज जो है ना बर्ड के जो है रिसेंटली पता करे हैं। ओके गाइस, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी सीसामम तूर उड़द के हाइक करे गए, ये क्रॉप क्या कहलाते हैं? उड़द है ना, तूर, पैडी, ये सब दोस्तों कौन से क्रॉप है जो कि कहलाते हैं? जल्दी बताइए, इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि इंक्रीज किया गया था। ये सारे गर्मियों के टाइम पे लगाए जाते हैं, मालूम है ना, गर्मियों में कौन सा होता है? खरीफ होता है। इस तरीके से याद कर लिया करो, गर्मी सर्दी के हिसाब से याद किया करो। कोई 70-75 रुपए का हाइक है जो कि किया गया था, देख लेते हैं कितने का हुआ। 72 रुपए का हुआ है ना। महंगाई जो हुई है उससे भी कम, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है हाइक से। चलिए, ILO द्वारा किस संगठन के सहयोग से बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020 रुझान और आगे की राह शीर्षक वाले रिपोर्ट जारी करी गई? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर बताइए। ILO ने दोस्तों चाइल्ड लेबर के ऊपर रिपोर्ट है जो कि जारी करी है, और ठीक है गाइस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर है जो कि इसको रिलीज करी है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, चाइल्ड की बात करिए तो चाइल्ड में कौन करेगा? यूनिसेफ तो करेगा काम, बच्चों के लिए यही तो करता है काम, समझ गए मेरी बात? तो बच्चों के यूनिसेफ के साथ में जो इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज है जो कि किया है। ठीक है गाइस, और साथ में मुझे बता दो भाई कि हेडक्वार्टर कहां पर है ILO का? ILO का हेडक्वार्टर कहां पर है? हाँ, जेनेवा के अंदर, बिल्कुल सही है। और यूनिसेफ का कहां पर है? हाँ, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है गाइस, हेरेंटा करके है जो कि अभी हेड बने हुए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर व्हाट डज NUE स्टैंड फॉर? NUE का मतलब दोस्तों क्या होता है? ठीक है, बताओ, आंसर करो जल्दी जल्दी, थोड़ा आंसर करो, अभी तो बहुत 10% क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो 20 पे पहुंचे अपन यार, अभी तो 200 क्वेश्चन करने, 180 क्वेश्चन करने बाकी है, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, बी आपका सही आंसर है जो कि यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, चलिए अगला सवाल आपका, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में लाभार्थियों को सीधे धन स्थानांतरित करने के लिए DBT मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यानी कि डायरेक्ट आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में पैसा है जो कि पहुंच जाएगा 15-15 लाख रुपए। अभी रिसेंटली बताया क्या हुआ था? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। एक आदमी के केरला कर्नाटका के अंदर कुछ क्या पैसे आ गए अकाउंट के अंदर, 2-4 लाख रुपए गलती से बैंक ने डाल दिए, तो उससे बोला ये वापस लौट रहा है, तो मना कर दिया भाई ने। भाई ने बोला कि मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए, वो वाले पैसे आए मेरे पास तो मैं तो नहीं लौटाऊंगा, अभी 5 लाख आए, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आएंगे ये पैसे, तो भाई ने लौटाने से मना कर दिया बैंक को पैसे। उसके ऊपर केस किया गया, उसका अकाउंट फ्रीज किया गया, तब जाके पैसे जो है वो रिकवर हुए, उसमें 2-3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया भाई ने। तो कल को आपके भी अकाउंट में पैसे आए तो ये मत बोलना कि वो 15 लाख रुपए आपके पास आने वाले हैं।
चलिए ठीक है गाइज, वो तो अमित शाह जी ने बोल दिया था कि भाई जुमला उमला है तो चलता रहता है, तो लोड मत लेना उन चीजों के बारे में कि आप दिल से लगा लो। चलिए ठीक है गाइज, तो कौन से राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया गया था। ठीक है गाइज, अगला सवाल येदुरप्पा जी के द्वारा किया गया था वेलफेयर स्कीम। 107 साल पुरानी बिलमोरा वेंगाई हेरिटेज ट्रेन कौन से राज्य में चलती है? एकदम बढ़िया सवाल है, आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन से राज्य में चलती है? ये आपके दोस्तों गुजरात में देखने को मिलती है, तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। 107 साल पुराना नैरो गेज का हेरिटेज ट्रेन है, बिलमोरा नवसारी और वेंगा, ये आपके साउथ गुजरात के बीच में ट्रेन है जो कि वेस्टर्न रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। सर्विस 2020 में इसकी बंद कर दी गई थी, ठीक है, 1913 में इसकी शुरुआत करी गई। अगला है 2021 में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहरों के द इकोनॉमिस्ट के वार्षिक सर्वेक्षण की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? दिल्ली भी दे रखा है इसके अंदर ऑप्शन में। बहुत ही खतरनाक बात है, दिल्ली के अंदर तो पीट करके सोता हूँ मैं, तो दिल्ली की तरफ देखता भी नहीं, इतने बुरे हाल है। दिल्ली तो इतनी बुरी चीज है स्टूडेंट के लिए तो स्पेशली, हालांकि क्या, अगर आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो बहुत बढ़िया है दिल्ली, अदरवाइज स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही खतरनाक जगह है। चलिए यहाँ पे दोस्तों दुनिया के बेस्ट शहरों के बारे में बात करें रहने योग्य के अंदर, तो ऑकलैंड सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बढ़िया शहर है जो कि माना जाता है। ठीक है गाइज, ऑकलैंड है, उसके बाद में ओसाका और टोक्यो जापान के अंदर। पहले दोस्तों वियना हुआ करता था ऑस्ट्रिया का, है ना, अभी वो 12वें पोजीशन के ऊपर चले गया है। चलिए, किस पर्वत श्रृंखला को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है हैंगडुआन पर्वत, हैंगडुआन भी नहीं होगा, हिंदू खुश होगा, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हिंदू खुश जो हिमालय रेंज है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है जिसको थर्ड पोल के तौर पे माना जाता है। ठीक है गाइज, 8 कंट्रीज के अंदर हिंदू कुश की हिमालय से, ध्यान रखिएगा। कोवी फाइंड जिसे भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया, ये क्या है कोवी फाइंड दोस्तों? क्या है, क्या कोविड वाले मरीज के बारे में पता लगा लेगा क्या ये? जैसे कि एक बार अपने वो था ना, कौन सी ऐप थी यार अपनी एक, जिसके अंदर आसपास में बताया करता था, फिर धीरे धीरे उसने बताना बंद कर दिया। अरे इसी में से आ जाएंगे क्वेश्चन यार, एक क्लास में से 200 क्वेश्चन है, 200 में से 2-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाएंगे आराम से, एमटीएस और जीडी के अंदर, चिंता मत करो आप। चलिए आंसर हो जाएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट, ए, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये, जो कि आईसीएमआर के द्वारा दोस्तों रिसेंटली अप्रूवल है जो कि दिया गया। आईसीएमआर के जो हेड है वो कौन बनाए गए हैं, पहले से कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईसीएमआर की बात करें तो भार्गव का नाम सुना आपने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हाँ दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बलराम भार्गव इसके हेड है, और इसका फॉर्मेशन आईसीएमआर के साइट 1949 में बनी, उससे पहले 1911 में इसका फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। ठीक है चलिए अगला सवाल, प्रदूषण को रोकने के कौन सा भारतीय राज्य ने स्मोक टावर का निर्माण किया है? ये तो चलो बच्चों वाला आंसर है, आप निकाल दोगे। स्मोक टावर दोस्तों लगाए गए, बिल्कुल सही है, दिल्ली के अंदर इसका फॉर्मेशन किया गया, दो जगह पे लगा दिए गए आपको मालूम है, 25 मीटर के हैं। इंदिरा मीरी यूनिवर्सिटी विद्या पेंशन योजना और ओरेन नो दाई किस राज्य की पहल है? नाम से पता लग रहा है क्या? अरुणोदयी पेंशन योजना कौन से राज्य की है? बिल्कुल सही है, यह है आसाम की, अरुणोदयी नाम से पता लगना चाहिए आपको, बी आपका सही आंसर है, बंगाल या आसाम दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है। 2.5 लाख रुपए महिलाओं को जिनके हस्बैंड की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है उनको दिया जा रहा है इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम और अरुणोदय स्कीम के तहत।
किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षित जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करी है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर एक रिपोर्ट है जो कि जारी करी गई किसके द्वारा? ये करी गई UNDP के द्वारा। तो आपका बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये देखिए UNDP के द्वारा दोस्तों इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 1965 में UNDP का फॉर्मेशन हुआ और इसके जो हेड बने हुए हैं उनका नाम है अभी एशिम करके एक पर्सन है, एशिम, ठीक है। उनके द्वारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट पर रिपोर्ट जारी करी गई। मार्गेटा हेल्थ जिन्हें हाल ही में गूगल डूडल में दिखाया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्गरेटा है, मार्गरेटा हेड के बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइए, मार्गरेटा हेड गूगल डूडल के ऊपर, ये कौन है दोस्तों? ये लेडी ऑफ द स्टार्स इनको माना जाता है। ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत काम करती है, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मार्गरेटा हेड ऑल्सो कॉल्ड एज द लेडी ऑफ द स्टार्स, फेमस इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट है। 1992 के अंदर फ्लोरेंस के अंदर इटली में इनका जन्म है, जो कि हुआ था 99th एनिवर्सरी है, जो कि गूगल डूडल के द्वारा मनाई गई, ठीक है गाइस। एक और सीक्रेट बात बताऊंगी आपको, मार्गरेटा किसी टाइम पे कॉलेज के टाइम पे गर्लफ्रेंड का भी नाम हुआ करता था, वो थी उस टाइम पे इंडोनेशिया की ये तो खैर बहुत ही पुरानी लेडी थी। चलिए, किस देश ने COVID-19 की दूसरी लहर के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए भारत के लिए परियोजना O2 शुरू करी है? आंसर बताइए, भारत के लिए परियोजना O2 दोस्तों किसके द्वारा शुरू करी गई है? बिल्कुल सही है, भारत के द्वारा ही तो करेंगे, भारत के लिए तो भारत वाले ही तो करेंगे और रशिया वाले थोड़ी ना करेंगे आके, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर बताइए। चलिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली के द्वारा दोस्तों इसको होस्ट है जो कि किया गया है, ठीक है गाइस। और 14 जून को इसको मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। GST कानून के अनुसार कितने वर्षों तक राज्यों को GST कार्यान्वयन में राजस्व के नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है? कल ही पढ़ाया था ये तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया है कि कब तक, 5 सालों तक के लिए गारंटी है जो कि दी गई है दोस्तों, ओके गाइज। तो 2017 से आप देख सकते हो 2022 तक की गारंटी है रेवेन्यू लॉस की, जो कि सरकार ने बोला है। कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड जिसे अधिसूचित किया गया है किस राज्यों की परियोजना की देखरेख करेंगे? कृष्णा गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, कौन से दो राज्यों का मुद्दा है ये जल्दी बताइए। ये है दोस्तों आपके आंध्रा और तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। चलिए, बी आपका सही जवाब है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम कार्यक्रम शुरू किया? कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एंड उद्यम कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? आपके जनजातीय ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कि बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है गाइस। 45,000 वन धन विकास केंद्र है जो कि स्थापना करे गए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड बोलते ना अपन, उसके द्वारा किया गया है। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने दोस्तों गल्फ रीजन में इंडियन वेसल की प्रोटेक्शन के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? आंसर बताइए, क्या नाम था उसका? चलिए, बिल्कुल सही है, ऑपरेशन संकल्प, बी आपका सही जवाब है, ठीक है गाइस। तो इंडियन नेवी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक पुनः प्रायोजक उपकक्षीय अंतरिक्ष यान का परीक्षण है जो कि किया है?
कौन से देश ने किया? दोस्तों देखो, स्पेस का कोई सा भी आंसर आए आप तो चाइना या यूएसए, 90% पॉसिबिलिटी है इन्हीं में से आंसर होगा, और उसमें से भी 90% पॉसिबिलिटी है कि चाइना ही होगा। समझिए, चाइना ने बहुत सारे काम किए यार, कोविड के अंदर भी ये थमा नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा, ये इनको पता नहीं क्या समस्या है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या करते रहते हैं, पीछे पीछे चोरी चोरी छुपके छुपके। ओके, तो इन्हीं के द्वारा सब ऑर्बिटल स्पेस व्हीकल है जो कि लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किया है। कौन से मंत्रालय ने, ये आपको बताना है। आंसर बताइए। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो, टूरिज्म के बारे में बात करी गई है तो टूरिज्म ही तो होगा आंसर, पर्यटन के बारे में बात करी गई है तो पर्यटन मंत्रालय तो आंसर होगा। इसके अंदर क्या समस्या है, इसके अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। किस देश ने डॉक्सिंग बिहेवियर से निपटने के लिए गोपनीयता कानून पर एक विधायिका का प्रस्ताव रखा है? डॉक्सिंग, ये यूएनडीपी इतना लेट आंसर कैसे आ रहा है भाई, क्या बात हो गई, ये कमेंट में इतना लेट लेट आपका यूएनडीपी। डॉक्सिंग देखिए जो है ना, ये आपके हांगकांग के द्वारा जारी किया गया है, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, है ना, चाइना ने दोस्तों कंट्रोल करने के लिए इसको थोड़ा लगाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत में किस राजस्थान पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? सीडीएस के लिए करंट अफेयर करवा दूंगा मैं आपको अलग से, डोंट वरी। चलिए, बिल्कुल सही है, लद्दाख आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, तनु और प्रिया जो हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में शामिल है, किस खेल से जुड़ी है? तनु और प्रिया, ये दोनों दोस्तों क्या है, भारतीय रेसलर है, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है गाइज, ये दोनों रेसलर से ध्यान रखिए। कौन सा भारतीय ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाली तीसरी भारतीय बना है? तीसरी भारतीय बना है, चलिए बिल्कुल सही है, सुमित नांगल, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुमित दोस्तों तीसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में मैच जो कि जीता है। ठीक है, जिशान अली पहले थे, उसके बाद आपके लेंडर पेस थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था अटलांटा ओलंपिक्स में। कौन सा देश जोगा जोग नामक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की तैयार? कोई तो कू बना रहा है, कोई जोगा जोग बना रहा है, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है वो बस ना, लोग पहले ट्वीट करते थे, अभी कुकाते हैं लोग कू से, अभी जोगा जोग से क्या करेंगे, जॉग करेंगे लोग बहुत ही अजीब गरीब नाम है। और किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों, इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया है, समझ गए मेरी बात, बांग्लादेश के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए ठीक है, और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और अलापोन नाम का व्हाट्सएप भी बना रहे हैं लोग, अलापोन, ठीक है, और खुद का फेसबुक जो है उसका नाम है जोगा जोग, खुद का फेसबुक, सबको चाइना बनना है, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है। खुद का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन है, सुरोखा ऐप, और जूम का भी बनाया ऑल्टरनेटिव इन्होंने, जूम का ऑल्टरनेटिव का नाम है बोई थॉक बोई थॉक नाम का है जो कि जूम बनाया इन्होंने। चलिए, अरमैक्स 21 किस देश द्वारा आयोजित एक स्कीइंग अभियान है, बताइए। ये किसके द्वारा करवाया गया? ये इंडियन आर्मी के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। ठीक है गाइस, एक स्कीइंग एक्सपेडिशन है अरमैक्स 21 जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा करवाया गया, कहां पे? लद्दाख के अंदर है जो कि इसको करवाया गया, लद्दाख में, उत्तराखंड के अंदर। यहां पे अफगानिस्तान में शरणार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए किस देश ने 100 मिलियन की आपातकालीन कोष की अधिकृत किया है?
100 मिलियन इमरजेंसी फंड कौन दे रहा है भाई? कौन दे सकता है? दे तो खैर बहुत सारे सकते हैं, चाइना, रशिया, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो यूएसए के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल, 6 मंथ का कैंपेन प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशन को दूर करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया? आंसर बताइए, ये चलाया गया किसके द्वारा? ये इंटरनेट एप्लीकेशन चाइना के द्वारा है ना, चाइना ही है जो कि ये सब काम कर रहा है। कंज्यूमर राइट, साइबर सिक्योरिटी, मार्केट ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है ना, वीडियो गेम्स बंद करना, और टेक कंपनियों को, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है उनको बंद करना, ये सारे काम इसी के द्वारा करे जा रहे हैं। कौन से राज्य को, कौन से देश को टोक्यो ओलंपिक से बैन कर दिया गया? ड्रग के लिए, डोपिंग के लिए आपको मालूम है 4 साल तक के लिए बैन लगाया गया, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, तो बी आपका सही आंसर होगा। नॉर्थ कोरिया को भी बैन किया हुआ है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, रशिया को तो किया था ड्रग की वजह से। ठीक है गाइस, इन्होंने आरओसी नाम से जो है ना ओपन में जो है ये लोग खेले थे। भारत का पहला ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का कौन सा है? ये दोस्तों कौन सा है? ये है आपका कांडला, सी आपका सही आंसर होगा। कांडला वाला जो पोर्ट है ना वो पहला ग्रीन सेज है जो कि वहां पे बनाया जा रहा है। इंदिरा 2021, इंदिरा इंडिया और रशिया, यानी कि आपका डी यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी को मालूम है आंसर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बिल 2021 लाया गया, तो कितने मैक्सिमम डिफॉल्ट अमाउंट के लिए है ये? रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2021 के हिसाब से मैक्सिमम डिफॉल्ट अमाउंट प्री पैक्ड रिजोल्यूशन को कितने तक के लिए एप्लीकेबल है? एमएसएमई तक के लिए, एमएसएमई के आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 करोड़ तक के लिए दोस्तों इसको बोला गया है। नेगोशिएशन करेंगे, कोशिश करेंगे डिफॉल्टर ना बने। बसवराज मुख्यमंत्री बने हैं, कहां के बने हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक, डी आपका सही जवाब है। गुजरात के भी बदल गए, पटेल साहब बन गए हैं है ना, अमरिंदर सिंह भी हट चुके हैं। पता नहीं हो क्या रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, हर राज्यों के सीएम बना के है ना ये नए फेस दिखा के फिर जनता को बाबू बनाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 पुराना वाला खराब था इसलिए हमने हटा दिया, इसलिए हम नया लेके आए फेस, और नया वाला फेस जो होगा वो भी वैसा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, सही मामू बनाते हैं सारे के सारे मिलके। चलिए, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन बिहार दोस्तों कहां पर सेटअप की जा रही है? पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप करी जा रही है आपके दोस्तों भागलपुर के अंदर। महिलाओं के लिए भी 33% सीट इसके अंदर रिजर्व करी गई है। ठीक है गाइस, राजगीर में है, भागलपुर में नहीं है, राजगीर, बी आपका आंसर होगा इसमें, बी, डी नहीं होगा, बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, राजगीर के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है ना। यार ये कौन है यहां पे? सुमित सिंह ठाकुर, रानी आई लव यू, वाह भाई वाह, यार सुमित बहुत ही खतरनाक आदमी हो, योगी जी की फोटो लगा रखी है, काम कर रहे हो आसाराम वाले, ये क्या चल क्या रही है? अरे भाई खुद की नहीं, कम से कम योगी जी की तस्वीर की इज्जत कर लो है। रानी आई लव यू कर रहे हो, रानी का राजा जो आपको यहाँ पे कुटाई करेगा ऑनलाइन आके, फिर क्या करोगे? गजब है यार, योगी जी की फोटो लगा के ऐसे काम, इनके ऊपर आईटी एक्ट लगा देना चाहिए इनको ऊपर, पता नहीं क्या आपको कितनी जल्दी आईटी एक्ट लगता है आजकल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो जो भी आपको करना है, क्या कर सकते हो, मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है आपको है।
पढ़ता तो शायद आप ऐसा करते ही नहीं कमेंटबाजी। चलिए IAST के बारे में बात करें। इन्हीं लड़कों की वजह से लड़कियों ने जो है ना अपना नाम बदल के लड़के बन के जो है वो कम लाइव आना चालू कर दिया है। ऑफलाइन में तो परेशानी थी, अब ऑनलाइन भी परेशानी है। चलिए अगला सवाल है, IAST के बारे में बात करें तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, केरला आपका सही आंसर है। केरला में इसका सेटअप है जो कि किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेटरी एंड डिटेन्ड विथ मिसिंग स्टाफ मेंबर। आंसर बताइए क्या होगा। कितनी तारीख को मनाते हैं इसको? बिल्कुल सही है, 25 मार्च है ना। डी आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, डी आपका सही जवाब है, 25 मार्च को इसको इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेटरी को मनाया जाता है। 2020 के लिए EY एंटरप्रेन्योर के रूप में किसे चुना गया है? जल्दी बताइए आंसर। बिल्कुल सही है, हर्ष मरीवाला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चेयरमैन है फास्टेस्ट कंज्यूमर गुड्स फर्म के मैरिको के, इनको EY एंटरप्रेन्योर फॉर 2020 है जो कि नवाजा गया है। ओके गाइज, चलिए रविचंद्रन बायजू को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बंसल को लेंसकार्ड के लिए भी अवार्ड मिला है। कौन सा देश पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल से शुरू होने वाले विश्व नेताओं के 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? जल्दी बताइए। हाँ भाई, पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम में भी काम आएगा ये करंट अफेयर विकास। बिल्कुल सही है, USA, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। USA क्या कर रहा है, इसको होस्ट है जो कि कर रहा है। ठीक है गाइज, कौन सी फिनटेक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस लॉन्च किया है? D2R किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? D2R ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपके भारत पे के द्वारा, यानी कि बी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइज, भारत पे के द्वारा। 21 मार्च 2021 तक कौन सा देश जल जीवन मिशन योजना के द्वारा नया मील का पत्थर क्या है? कितना टारगेट है जो कि जल जीवन मिशन के तहत हमने 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट किया है? आंसर क्या हो जाएगा? 4 करोड़। जल जीवन मिशन तक हमने 4 करोड़ लोगों को टैप वाटर की सप्लाई दी है और सभी को 2024 तक का टारगेट किया है। ठीक है गाइस, गोवा पहला राज्य है जहां पर 100% टैप वाटर है जो कि मिल गया है। पीके मिश्रा आ चुके हैं। अनिल अशोक गुलाटी किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष हैं? बताइए आंसर। ये दोस्तों बनाए गए थे आपके कंट्रोवर्शियल जो एग्रीकल्चर बिल है ना उसको लेकर, तो बी आपके बिल्कुल सही आंसर। कमिटी बनाई गवर्नमेंट ने, उस कमेटी में से पहले से ही सरकार के लोग थे मतलब कितना बेवकूफ बनाने के लिए कमेटी बनाई गई। इसमें ऑलरेडी वो लोग कमेंट कर चुके हैं जिन्होंने दोस्तों उसको सपोर्ट किया था। अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित नया मुद्रा स्फीति लक्ष्य बैंड क्या है? न्यू इन्फ्लेशन टारगेट बैंड फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 2% से 6% है जो कि टारगेट किया गया है, तो ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? जेंडर गैप रिपोर्ट, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है गाइस, उसी के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट है जारी करी गई। हमारी रैंकिंग 140। ठीक है गाइस, गैप जो है वो बढ़ता बढ़ता के आसमान फाड़ के निकल जाए इतना लास्ट ईयर में 112 थी, खराब और हो गई हमारी अच्छी होने के बजाय। चलिए, किस दूरबीन ने M87 ब्लैक होल को अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कैप्चर किया?
टेलीस्कोप कैप्चर्ड द M87 ब्लैक होल. कौन सा टेलीस्कोप है भाई, जल्दी बताओ. बहुत ही फेमस है, इवेंट हॉरिजन बी आपका सही आंसर है. उसी के द्वारा इसको कैप्चर किया गया ब्लैक होल को. ला परोस किस देश द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है. ला परोस, ऐसे ला ला वाले जो काम होते हैं, नाम होते हैं, ये आपको इटली में ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वाला दोस्तों फ्रांस है. सी आपका सही आंसर है. फ्रांस के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट है जो कि करवाई गई, और क्वाड कंट्रीज के साथ में इसको करवाया जा रहा है, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में. ठीक है गाइज, चलिए अगला सवाल है. किस मंत्रालय ने आयकर संपत्ति पर अधिनियमों के तहत गठित 4 दशक के किस निकाय को रद्द करने के नियमों की घोषणा करी है. पूरा 40 साल पुराना जो इनकम टैक्स का, वेल्थ टैक्स का जो एक्ट है ना, उसको हटाने के लिए बोला है किसके द्वारा. ये आपके सेटलमेंट कमीशन जो है, इसके द्वारा ऐसा किया गया है. समझ गए मेरी बात. ठीक है, सेटलमेंट कमीशन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है. ऑल राइट, अगला देखते हैं. डिफॉल्ट के किस मूल्य तक प्री पैक का उपयोग एमएसएमई के लिए दिवाला समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है. प्री पैक्स कैन बी यूज्ड ए टूल फॉर, कितने अमाउंट तक दोस्तों इसको काम में लिया जाएगा ये आपको बताना है. आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा गाइज 1 करोड़. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था इसका आंसर, वही तो है 1 करोड़ तक के लिए एमएसएमई के लिए जो है ना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो है वो इजी किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उसको डिब्बा नहीं होने दे. इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइज यूएन के द्वारा कब मनाया गया. इसको मनाया जाता है 5th of April, यानी कि ये आपका सही जवाब है. ठीक है गाइज, INS हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए INS सर्वेक्षण को किस देश में तैनात किया गया. हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए कौन से देश में तैनात किया गया है सर्वेक्षक को. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके मॉरिशस. बी आपका सही आंसर है. ठीक है, हाल ही खबरों में रहे जीसेप में ए का अर्थ क्या है. जीसेप के अंदर ए का अर्थ क्या है यह आपको बताना है. रुद्रा बैंकिंग के लिए करंट अफेयर करवा दूंगा मैं, SBI मेंस के लिए डोंट वरी, करवा दूंगा चिंता मत करो. आंसर क्या हो जाएगा, जीसेप में ए का मतलब है एक्विजिशन, ये आपका सही आंसर है. और फुल फॉर्म क्या है, जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम. ओके गाइज, ओपन मार्केट परचेज है, 1,00,000 करोड़ के करे गए हैं इसके अंदर, है ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, उसका एक्विजिशन प्रोग्राम है. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कौन से कंट्री के द्वारा करवाया गया. ये करवाया गया आपके US नेवी के द्वारा. ठीक है गाइज, इंडियन वाटर के अंदर है जो कि इसको करवाया गया. बेसिक देशों में किस कंट्री ने दोस्तों कार्बन बॉर्डर टैक्स के ऊपर कंसर्न है जो कि जारी किया है. बेसिक कंट्रीज का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब ऐसा नहीं है, जो लोगों को बेसिक नहीं पता या जो बेसिक जानना चाहते हैं उन कंट्रीज को हम लोग बेसिक कंट्रीज कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होते हैं. बेसिक का मतलब, बी का मतलब हो गया ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इनको बोलते हैं बेसिक कंट्रीज. समझ गए मेरी बात. ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया और चाइना, इन्होंने 2009 के अंदर एग्रीमेंट है जो कि किया था क्लाइमेट को लेकर, कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट में, है ना. समझ गए मेरी बात. और आंसर हो जाएगा इसका यूरोपियन यूनियन. इनके साथ में दोस्तों कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर इन्होंने कंसर्न जारी किया है. बोला कार्बन वार्बन पे भी टैक्स लोगे क्या हमसे. इनका ये कहना है कि यार हमारे वैसे डेवलपिंग कंट्री है, तुम लोग तो आगे बढ़ गए हो, तुम लोग कार्बन टैक्स की बात कर रहे हो, हम लोग अभी इनकम टैक्स नहीं ले पा रहे लोगों से. ठीक है, वर्ष 2021 के लिए 37 बड़े
सीपीएसई और सरकारी विभागों द्वारा कुल पूंजीगत व्यय कितना है, खर्चा है बताइए भाई। 37 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा कितना खर्चा है जो कि किया जाता है। वैसे कमाई भी बहुत करी जाती है, लेकिन खर्चे की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा है जो कि होता है। ठीक है, किस संस्था ने लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया है? लिटिल गुरु, लिटिल गुरु किया गया है दोस्तों IRCC के द्वारा। ये जो कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, विवेकानंद जी के कल्चर सेंटर है इंडियन एम्बेसी का बीजिंग में, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया। पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है ये। ठीक है, देखो भाई बिहार आपका आने वाले टाइम पे, हरियाणा का भी SI का एग्जाम आ रहा है, यूपी का भी आ रहा है, सब में ये क्वेश्चन है जो कि काम आएंगे। 3 ब्रांडेड रोज फिंच, जिसे भारत में 1300वीं पक्षी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया, किस राज्य में देखा गया था? 1340 बर्ड स्पीशीज इन इंडिया, 3 ब्रांडेड रोज फिंच, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको देखा गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री ने किस कार्यान्वयन का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप ये जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? DGFT के द्वारा, यानी कि ये आपका सही आंसर है, समझ गए? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है जो कि इनको कहते हैं, इनके द्वारा ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च करेगी मदद के लिए, 24/7 सेवा के लिए। किस देश ने हाल ही में उन्नत यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज का अनावरण किया है? एडवांस यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज किसके द्वारा लॉन्च है जो कि किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम के ऊपर अभी काम कर रहा है ईरान, तो डी आपका सही आंसर होना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है। किस देश ने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट के लिए देश में कार्यरत बैंकों, बीमा कर्मचारियों, निवेशक प्रबंधनों को अनिवार्य किया है? क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो हर किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, समझ गया मेरी बात, ऐसा बोला गया है। कौन से देश में? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा देश नहीं है, हमारे पागल हो गया अभी क्लाइमेट चेंज की थोड़ी ना बात करेंगे हम लोग 50 साल बाद बात करेंगे। सोनू आपकी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, मैं किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, हाथ दिखाई देगा आपको। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, समझ गए? आप लोग बैठे हो यार, मैं भी कब तक खड़ा रहूँगा, इसलिए दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से, है ना। पहला कंट्री है दोस्तों न्यूजीलैंड जिसने 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो टोटल एसेट के तौर पर डिस्क्लोज करे हैं। तो न्यू लेजिस्लेशन के अंदर जिन भी बैंक के 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज्यादा है ना, वो क्लाइमेट पे उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके बारे में वो पूरी रिपोर्ट देंगे बना के। कौन सा देश रिलीज कर रहा है 1 मिलियन टन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इनटू सी? वाह भाई वाह, 1 मिलियन टन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में से, कौन है ऐसा करने वाला? जापान है, ये भी कम नहीं है एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए। जो डी कमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसमें से इतना पानी जो है वो इतना ज्यादा वेस्ट है जो कि पानी में डाल रहा है। चलिए, किस देश ने क्रीमिया महाद्वीप को यूक्रेन से अलग कर दिया? क्रीमिया को अलग करने वाला कौन है? यह रशियन, भी आपका सही आंसर, अपनी सेना लगा रखी है और क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। ठीक है गाइस, INS निरीक्षक जो हाल ही में चर्चाओं में रहा, किस प्रकार के पोत के अंतर्गत वर्गीकृत है? कौन सी वैसल है दोस्तों, अगर आप नेवी का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा आपका बी, डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है ये, बी आपका सही आंसर है। ठीक है गाइज, 9 फिशरमैन जो है केरला रजिस्टर्ड मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट के वो मिस भी इसके अंदर हो गए थे, इसलिए काफी न्यूज में था ये। काकरला सुब्बा राव जिनका निधन हो गया, ये कौन थे फेमस?
ये थे दोस्तों बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे एक्चुअली में, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, इनके रिसेंटली मृत्यु हो गई थी। डायरेक्टर थे निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैदराबाद के अंदर। पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है। किस देश ने अंतरिक्ष में ती या नहे मॉडल लॉन्च किया है? ती या नहे, नाम से पता लग रहा है कि आपको? अरे यार नाम से समझ जाया करो यार, चाइना का होगा या जापान का होगा। और तियाने दोस्तों कौन भेजा है? चाइना ने भेजा है। स्पेस का तो क्वेश्चन आते ही आग बंद कर देना, ठीक है, आग बंद कर देना, मतलब गोला गलत जगह पे मत लगा देना, चाइना पे लगाना है। तो अपना लॉन्ग मार्च B5 जो रॉकेट है ना, जैसे अपना GSLV है उसी तरीके से इसका ही है, समझ गए मेरी बात। तो स्पेस टूरिस्ट है जो कि ये भेज रहा है, इसका बस चले ना तो ये पूरा कंट्री चाइना पे पता नहीं अलग ले जाए अपना। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से राज्य में है? ये है आपके दुर्गापुर के अंदर, यानी कि बंगाल में, ठीक है। ऑक्सीजन का काम किया था इसने। नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से अभ्यास किया है? डिफेंडर ये किया था ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर कंट्री है यहाँ पे क्रोएशिया, मैसेडोनिया और अल्बेनिया, तीनों हैं, तो इसमें से अल्बेनिया आपका सही जवाब होगा। अल्बेनिया है क्या? बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, काफ़ी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाटो के बारे में मालूम ही आपको, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। ली तानी नदी और करो झील खबरों में रही, किस देश में स्थित है दोनों के दोनों? लेतानी, आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये लेबनान के अंदर है। OECD के हिसाब से एक टॉप FDI डेस्टिनेशन 2020 का कौन सा कंट्री है? पहले तो USA हुआ करता था, कोविड के बाद में दोस्तों USA नहीं है। 2020 का कौन बन चुका है? चाइनीज अंकल बन चुके हैं, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। USA को FDI में दोस्तों पीछे छोड़ दिया। 2021-22 क्रॉप ईयर के हिसाब से फूड ग्रेन प्रोटेक्शन का कितना टारगेट भारत के द्वारा किया गया है? टारगेट किया गया है दोस्तों इस बार 300 मिलियन के ऊपर है, तो 307, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 307 मिलियन टन है जो कि किया गया है, और प्रीवियस ईयर से ये 1.3% ज्यादा है। समुद्र सेतु द्वितीय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? समुद्र सेतु के बारे में आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, नेवी के द्वारा, बिल्कुल सही है, इंडियन नेवी के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु जो है वो लॉन्च किया है ना। चलिए, बहरीन से मुंबई से लोगों को लेके आने के लिए वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया गया। सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन कौन सा हमारा गोल है? जल्दी आंसर बताइए। आंसर बताओ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? 14। ठीक है गाइस, SDG जो 14 है ना, ठीक है गाइस, जो 14 है वो आपका क्या बोलता है? ओशन के सस्टेनेबल यूज के बारे में बात करता है। ठीक है गाइस, चलिए
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किस बीमारी के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा करी है? कांगो, कांगो दोस्तों क्या चाहता है जीवन में, जल्दी बताइए। कांगो ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है, शांति से जाता है जीना बेचारा, इबोला से बहुत परेशान है। तो इबोला बी आपका सही जवाब है, समझ गए मेरी बात। इबोला से दोस्तों जो है शांति से जीना चाहता है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है, और इबोला वैक्सीन जो है यहाँ पे अभी रिसेंटली है ना यूज करने को लेकर बोला गया है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस प्रिंसिपल कौन से टैक्स का दोस्तों कंसेप्ट है, कौन सी कैटेगरी में आता है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कौन सी कैटेगरी का टैक्स है? जब भी आप डाउनलोड करते हो ना डाटा को, सॉफ्टवेयर को, जब आपको पेमेंट मांगता है ना, उस वाले टैक्स को ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस टैक्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे डिजिटल टैक्स एक तरीके से सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये गूगल फेसबुक को है ना इन सबको पैसा देना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 में घोषित किया गया। बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमिटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा है ना। पीवी सिंधु का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया इसमें। ठीक है गाइस, पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ये देखिए कनाडा और इस दोनों को बनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे ये आता है आपका 4 मई को, बी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइस, फायर फाइटर्स डे। किस राज्य ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान मनरेगा में सबसे अधिक लोगों को काम प्रदान किया? मनरेगा, ठीक है गाइस, मालूम है ना आपको, राइट है, नौकरी पाना सरकार का काम है, नौकरी देना सरकार का काम है, इसीलिए दोस्तों 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की गैरंटी होती है, लेकिन मिला नहीं है वैसे, अगर एवरेजली 22 दिन ही चल रहा है आज के टाइम पे, हालत खराब है, लेकिन वेस्ट बंगाल ने अच्छा काम किया और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के अंदर दिए हैं। सेकंड नंबर पे है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। कौन सा महीना अमेरिका में एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीप विरासत महीने के रूप में मनाया जाता है? वाह भाई वाह, हेरिटेज मंथ के तौर पे ये मनाते हैं दोस्तों आपका बी यानी कि मई, बी आपका सही आंसर हो गया। पंगा या सैदी गुफाएं किस देश में स्थित है? बड़ा अजीब नाम है ये, आपको जो देखने को मिलेगी ना पंगा या सैदी गुफाएं, ये आपको अफ्रीका यानी कि केनिया में आपको देखने को मिलेगी, समझ गए मेरी बात। केनिया में इनको डिस्कवर किया गया और सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती है जहां पे इंसान को दफनाया गया था, नियर बाय 80,000 साल पुरानी इसको माना जाता है। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी सबको मालूम है, स्पेस एक्स तो है दोस्तों एलन मस्क की, और ब्लू ओरिजिन नाम की जो कंपनी है वो है आपकी जेफ बेजोस की। ठीक है, न्यू शेफर्ड करके इनका एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन जब शॉर्ट पीरियड तक होती है तो कैसा फ्लड कंडीशन होती है? छोटे से टाइम में बहुत तेज बारिश आ गई तो कौन सी फ्लड की कंडीशन होगी गाइज? ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो 10 सेकंड के अंदर बहुत तेज बारिश आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया है ना, उत्तराखंड के अंदर हुआ था ना वो, यही वाली चीज हुई थी। चाइना ने सस्पेंड कर दिया ऑल एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग कौन से कंट्री के साथ? पहले हुआ करता था ये, अभी इन्होंने मना कर दिया करने से। किसके साथ में करने से मना कर दिया? ये यूएसए के साथ में दोस्तों करने के लिए मना कर दिया, जब यूएसए ने बैन कर दिया था हवाई कंपनी को 5G नेटवर्क के लिए, कोरोना वायरस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोला, तो यूएसए क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया से खफा हो गया और उसने डायलॉग करने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जोरदार कंट्री है, इसने बोल दिया अफगानिस्तान के तालिबान को
कि अगर आप महिला टीम को नहीं खेलने दोगे ना तो हम आपके टीम को नहीं आने देंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, क्लाइमेट और क्लीन एयर कॉलिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, यूएनईपी के साथ में दोस्तों ये करार है जो कि किया गया है। ठीक है गाइज, आईडी आर्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई? आईडी आर्ट ऐप, बताइए, ये लॉन्च करी गई है दोस्तों किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। समझ गए मेरी बात? किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, इंटरपोल के बारे में बात करें, कहां पर है? लियोन फ्रांस के अंदर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइज, इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको, इंटरपोल को। ठीक है, लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और डी आप आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए, और ये किस लिए बनाई गई थी? मोबाइल ऐप है आईडी आर्ट ऐप, ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी चोरी पुराने जो है ना स्टोलन करेगा, कोई कल्चर वाली जो प्रॉपर्टी है, ट्रैफिकिंग है ना, इन सबको पता करेगा। सुमित अंतिल, भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, कौन से खेल से जुड़े हैं? बढ़िया क्वेश्चन। आंसर बताइए। सुमित जो है दोस्तों ये आपके भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रोअर है दोस्तों। ठीक है गाइज, ठीक है, ये देखिए, ये जेवलिन थ्रोअर है और काफी जबरदस्त प्लेयर है। देवेंद्र जाजड़िया, सुंदरलाल गुर्जर ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता जेवलिन के अंदर, तो तीनों चारों नाम ध्यान रखिएगा। डिस्कस थ्रो के वाले हैं योगेश, ओके, तो ये दो चार नाम आपको पता होने चाहिए। सुपर टेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी वैसे। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को डिमोलिश करने के ऑर्डर दिए थे, है ना, क्योंकि उसने वायलेशन किया था बिल्डिंग के जो लॉज होते हैं ना उन सभी को लेकर। ठीक है गाइस, चलिए, किस देश ने पास किया वर्ल्ड का पहला लॉ टेक कंपनीज को अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम के लिए? मतलब जो तरीके से आपको पैसा देना है उसी तरीके से दोगे, तो ये लॉ ऑर्डर है जो कि जारी किया गया कहां पे? साउथ कोरिया के अंदर। ठीक है गाइस, साउथ कोरिया आपका सही जवाब है, उन्हीं के द्वारा वर्ल्ड का पहला लॉ पास किया गया दोस्तों गूगल और अल्फाबेट के लिए, ताकि अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम उनके ऐप के द्वारा जो है वो ऑफर किया जा सके। ठीक है गाइस, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल अपने तरीके से काम करते हैं, है ना, तो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट है जो कि इनके द्वारा लाया गया। ओके, वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने में जीएसटी का कितना कलेक्शन हुआ? जीएसटी की बात करें तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ था, तो 1,12,000 कर लेते हैं, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, 30% ज्यादा है जो कि पिछले साल है जो कि हुआ था। लक्ष्य है 1,00,000 करोड़ तो कम से कम हर महीने होना ही चाहिए। चलिए, डीआरपी 2041 ये रेगुलेशन प्लान किसके द्वारा बनाया गया? 2041 ये बनाया गया दोस्तों किसके द्वारा? ये अपनी दिल्ली के द्वारा, केजरी जी के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया कि दिल्ली क्या 2041 में कैसा होगा। ठीक है, सो सॉरी, जिसमें एनसीआर रीजन 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, 14 हरियाणा के, 2 राजस्थान के कवर करेगा, है ना, एनसीआर को लेकर इसमें बताया गया है। पॉपुलेशन अभी 7 करोड़ है, 41 तक 11 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कि इसकी हो जाएगी। फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट किसके द्वारा कब मनाया जाता है? ये मनाया गया आपके अगस्त, यानी कि सी का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नोमैडिक फेस्टिवल कौन से राज्य के द्वारा मनाया गया? नोमैडिक फेस्टिवल बताइए, आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों लद्दाख के अंदर ही नोमैडिक कल्चर आपको देखने को मिलता है। एलजीएम माथुर साहब, उन्होंने 2 दिन का फेस्टिवल इनॉग्रेट है जो कि यहाँ पे किया है। ठीक है, कश्मीरी बकरी देशों की एक नस्ल है, पश्मीना शॉल बनती है, आपको मालूम है, बहुत ही लाखों रुपए की आती है पश्मीना शॉल, बहुत पतली सी आती है लेकिन ओढ़ने के बाद गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। जो बकरी होती है ना, जो आपकी गोट होती है, उसकी गले वाला जो एरिया होता है वहां से वुल निकाल के बनाया जाता है, बहुत ही महंगी आती है, लाखों रुपए की बिकती है पश्मीना। ठीक है, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, आंसर हो जाएगा महापत्रा जी। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, उनको बनाया गया। इनोवेशन मिशन कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर बताइए। बिल्कुल सही है आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा किसके द्वारा? पंजाब, अमरिंदर सिंह, जिन्होंने दोस्तों अभी रिसेंटली रिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा। कजाकिस्तान में आयोजित भारत कजाकिस्तान संयुक्त सेना का नाम क्या है? दोनों के देशों में के बीच में क्या होता है एक्सरसाइज का नाम, जल्दी बताइए। हाँ, सही आंसर है बी, काजिंद, आपका सही जवाब है। सितंबर 2021 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जल्दी बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ड्यूरिंग सितंबर 2021, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका शिक्षक पर्व। ए आपका सही जवाब है। ठीक है गाइज, शिक्षक पर्व जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था सितंबर तक, 17 सितंबर तक जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेशनल टीचर्स अवार्ड भी दिए गए थे। एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज करी गई है? कौन करेगा यार, जब वेदर की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो कौन करेगा? WTO को क्या मतलब है इस चीज से, मेट्रोलॉजी वाले को मतलब है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया। चलते चलते एक बात और बता दो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा में ही मिलेगा, 1950 के आसपास ही है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, है ना, एंड्रिन करके है जो कि इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली के लिए EILP प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ता है अगर आप घूमने जा रहे हो तो। ठीक है, अगर आप घूमने जाते हो ना नॉर्थ ईस्ट, तो आप भी आपको ILP इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक किया गया है किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, मणिपुर आपका सही आंसर है। चलिए, तो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया EILP प्लेटफॉर्म, इनर लाइन परमिट सिस्टम। ठीक है, चलिए, पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सभी को मालूम है 2 पदक जीतने वाली एक ही है दोस्तों, अवनी लखेरा, जयपुर की है। ये आपका सही आंसर है। उन्होंने राइफल इवेंट के अंदर दोस्तों 2 अवार्ड जीते, 19 साल के मात्र। ठीक है, जोगिंदर सिंह सोढ़ी ने भी अवार्ड जीते हैं, वैसे ध्यान रखिए। पत्रकार कोषा कल्याण कोष किस राज्य के द्वारा पत्रकारों को खुश कराया गया है? पत्रकार बहुत ही जरूरी है, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, छत्तीसगढ़ आपका सही जवाब है। न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट CASIR NAL के द्वारा लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका, ये आपको बताना है।
उसका नाम है दोस्तों हंसा। ठीक है गाइस, प्रफुल्ल और हंसा वाली हंसा भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखा होगा ना बचपन में खिचड़ी आया करता था, उसमें नाम होता था हंसा, शाहिद कपूर की मम्मी का। ओके, इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट है जो कि दोस्तों बनाया गया है। खबर हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? कसाई, अजीब नाम है कसाई, क्योंकि हो क्या जाता है जो रिवर है ना वो क्या रेड हो गई थी एकदम से इसीलिए एक दोस्तों काफी न्यूज में रही, हिप्पो डेड फिश की वजह से ऐसा हुआ था। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके पाई जाती है कॉन्गो के अंदर, कॉन्गो, ये आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आयोग का नाम क्या है? ट्रैकिंग शिप है दोस्तों ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ध्रुव। सही बोल रहा हूं क्या? ये ट्रैकिंग सिस्टम है सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, और विशाखापट्टनम में इसको कमीशन है जो कि किया गया था। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ध्रुव, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया, डीआरडीओ के द्वारा। ओके गाइज, चलिए किस डिजिटल भुगतान फर्म ने हाल ही में डिजिटल भुगतान पर डेटा के साथ भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फर्स्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विथ डेटा ऑन डिजिटल पेमेंट्स। आंसर क्या हो जाएगा? फोन पे आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, वॉलमार्ट के द्वारा ओन किया गया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के द्वारा ओन किया गया फोन पे, भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है गाइस, कौन सा हाईकोर्ट ने दोस्तों स्टे लगा दिया आरबीआई के नोटिफिकेशन के ऊपर जिसके अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता था एमडी और होल टाइम डायरेक्टर का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों एमडी बनाए जा रहे थे, उसके नोटिफिकेशन को, आरबीआई के नोटिफिकेशन को बैन लगा दिया, स्टे लगा दिया, किसने? मध्य प्रदेश ने। तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइस, चलिए कौन सा हाईकोर्ट ने दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश, बी आपका सही आंसर होगा। सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच में? सभी को मालूम है भारत और इंडिया के बीच में सिम्बेक्स है ना। ठीक है गाइस, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, सिलिनेक्स भी होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला वन डच ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? अरे यार, लैपटॉप का चार्जर भी बहुत कम बचा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार चार्ज पे लगा देते हैं लैपटॉप, अभी क्लास ही बंद हो जाती है अभी तो थोड़ी देर में, सही टाइम पे देख लिया मैंने। आंसर बताइए जब तक आप, कौन होगा जिसने इसको जीता है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट पिन मैक्स, दोस्तों वेस्ट पिन आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी आपका सही आंसर है। ओके गाइस, तो डच ग्रैंड प्रिंस इनके द्वारा जीतेंगे। अगला सवाल, कौन से यूटी ने प्लान किया है कि भारत का पहला डूडोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि लॉन्च करेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, अभी 2-3 दिन पहले ही, शायद 3-4 दिन पहले ही करवाया है। आंसर बताइए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु है ना, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट इंडिया डूडोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि लॉन्च किया गया था। डूडोंग क्या होता है? ये सी काउ होती है दोस्तों, किसी जमाने में बहुत सारी हुआ करती थी, अभी बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने इनिशिएटिव लिया है ना, एक्सटेंट के कगार पे पहुंच जाए, पहुंचने वाली है अगर नहीं लिया तो। 5,000 रुपए अनाउंस करे गए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है ना, जो आर्टिशन होंगे जो विनायक का स्टैचू बनाएंगे है ना, आपको मालूम है जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, शिल्पकार होते हैं, इनको बहुत कम पैसे, इनके बेचारे बहुत कम अर्निंग होती है, तो इसलिए एक सरकार ने 5,000 रुपये का अनाउंसमेंट किया है,
और ये करने वाला कौन है, ये स्टालिन साहब, यानी कि तमिलनाडु आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे बुजुर्गों की बात, कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी बताइए। बुजुर्गों के बात आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर का ही तो पार्ट नहीं है, तो कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया। बुजुर्गों से बात करना बहुत जरूरी है, काफी कुछ उन्होंने देखा होता है, बात करी होती है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमने आपके घर में जो बुजुर्ग है उनसे बात किया करो यार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने को, सुनने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत स्टोरीज है, बहुत एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, किसान स्टोर के बारे में बात करें तो ये लॉन्च किया गया था आपका अमेजन इंडिया के द्वारा। ठीक है गाइस, सही बोल रहा हूँ क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को, फार्मर के प्रोडक्ट बेचने में मदद करेगा। तोमर साहब मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जी ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया, आपातकाल लैंडिंग राजस्थान के अंदर दोस्तों हाईवे है उसके ऊपर, जोधपुर बाड़मेर में किया था आई गेस, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उन्होंने राजस्थान के अंदर है जो कि इसका बाड़मेर में, ये देखिए NH 925A, ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया, पहला नेशनल हाईवे था इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। कौन से तमिलनाडु ने पार्टनरशिप करी है एनर्जी आइलैंड के लिए, कौन से कंट्री के साथ में, आंसर बताइए कौन से कंट्री के साथ में करी है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, डेनमार्क के साथ में करार है जो कि इनके द्वारा किया गया था। ठीक है गाइज, डेनमार्क के साथ में करार किया गया, एक्चुअली में 5 से 10 बिलियन डॉलर का दोस्तों डेनमार्क इन्वेस्टमेंट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर करेगा। ओके, चलिए, कर्नाटक सरकार ने किस बैंक को अपनी नम्मा शाले कोड के पहल का समर्थन करने के लिए डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया है, तो कौन से बैंक के साथ में दोस्तों ये करार है जो कि हो रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बैंक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके साथ में ये करार है जो कि कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनअकैडमी के साथ में भी किया है, नीति आयोग ने रिसेंटली बायजू के साथ में भी किया है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, राजनाथ सिंह जी ने राजस्थान के अंदर करी है, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। MOU इंडिया और कौन से कंट्री के साथ में हुआ है फील्ड ऑफ जियो साइंस के अंदर, जल्दी बताइए जियो साइंस के अंदर, जियो साइंस में किसके साथ में करार है जो कि हमने किया है, ये आपको बताना है। मोदी जी ने दोस्तों जियो साइंस में किसके साथ में किया है, ये आपके हैं दोस्तों रशिया। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, अब हो जाएगा थोड़ी देर में। आसाम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है दोस्तों, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे सिलचर के मेडिकल कॉलेज के अंदर, किसके मदद से दोस्तों ये किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके कोल इंडिया लिमिटेड के मदद से, समझिए मेरी बात, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, डी आपका सही आंसर होगा, बड़ी खुशी मिलती है क्वेश्चन रिपीट होता है तो। टेक्सटाइल सेक्टर में दोस्तों PLI में कितना अनाउंसमेंट किया गया है, प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आपको मालूम है ना, डेली हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, इस सेक्टर में इतना अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें इतना हुआ है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर दोस्तों कितना हुआ है। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। ओके, टेक्सटाइल सेक्टर में दोस्तों हालत हमारी बहुत खराब हो गई है, बांग्लादेश ने जो रेल बनाई है, ओके, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल मार्केट पूरा खा गया, इंडिया का नौकरियां खा गया सब, तो इसीलिए होपफुली इससे जो है वो रिवाइव हो जाए, है ना, तो काफी बढ़िया है। चलिए ठीक है, अगला है वाइज POS गो कोलैबोरेशन दोस्तों किसने किया है, कौन से बैंक के साथ में, माइस्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से सहयोग से वाइज POS गो कर्नाटक बैंक के द्वारा ये किया गया था, सही है क्या, ये आपका सही आंसर है। ठीक है गाइज, चलिए बैंकिंग के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आपके SBI का आएगा ना मेंस एग्जाम,
काम आएगा उसमें। इंडिया ने पार्टनरशिप करी है एक्सीलेंस के लेकर, विंड को लेकर, कौन से देश के साथ में? विंड एनर्जी के ऊपर दोस्तों पार्टनरशिप करी हमने, किसके साथ में करी है हमने भी, किसके साथ में करी है ये, हमने भी डेनमार्क के साथ में करी है। डी आपका सही आंसर है, डेनमार्क ने इसके अंदर काफी आगे है। ओके, हमारा टारगेट है 450 गीगावाट 2030 तक, ठीक है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? आंसर क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। डी आपका सही आंसर है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा करी गई, प्रहलाद सिंह पटेल उनके द्वारा इसको करी गई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। ऑल राइट, गवर्नर ऑफ पंजाब कौन बनाए गए? रिसेंटली शफलिंग हुई है, बेबी रानी मौर्या भी जा चुकी है, बहुत सारे गवर्नर इधर उधर कर दिए, और दोस्तों सीधे तमिलनाडु से सीधे पंजाब की तरफ कौन आ गया? बनवारी लाल पुरोहित जी को बनाया गया है। बी आपका सही आंसर है। एक तो गवर्नर इतने इधर उधर होते हैं यार, याद करना मुश्किल है बच्चों के लिए, मतलब बहुत ही मुश्किल बात है। पेपर में आएगा ना तो पता नहीं, मतलब चेंज वाला बताएं, नया वाला बताएं, पुराना वाला बताएं, आप तो जो लेटेस्ट गवर्नर होगा ना वो आंसर लगाना हमेशा, समझ गए? चाहे 10 दिन पहले बदलाव चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, गलत मत लगा देना। यूएस ओपन डबल्स का टाइटल, बकवास क्वेश्चन नहीं करना अपने को, है ना। आपको मालूम है 18 साल की लड़की बनी है एक, तो उसके अंदर तो महिलाओं में और मेल के अंदर कौन थे, जोकोविक को हराया था किसी ने, रशिया के प्लेयर है ना, मेडवेदेव मेंडेलेव, उन्होंने हराया था, है ना। ये डबल्स वाला तो याद मत करो। चलिए, 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक तक किसको सस्पेंड किया गया है? नॉर्थ कोरिया, सभी को मालूम है, पार्टिसिपेट नहीं किया, बोलता कोरोना के केसेस हैं यहाँ पे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब दुनिया खेल के चले गई वहाँ पे, ये वैसे का वैसा रह गया, इसको कोई मतलब ही नहीं है। जो बेचारे जो एथलीट है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने तैयारी करी होगी, बहुत ही गलत बात, फर्क ही नहीं पड़ता इसको चंगू मंगू को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पार्टनरशिप करिए एक राज्य के साथ में ताकि प्रमोट कर सके डेयरी सेक्टर को, डेयरी सेक्टर के प्रमोशन को लेकर आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका असम। असम के साथ में दोस्तों ये जॉइंट वेंचर है जो कि किया गया है। भारत ने एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दोस्तों एक कंट्री को गिफ्ट किया है, कौन सा वो कंट्री है? अभी रिसेंटली किया है ना, गिफ्ट में दिया है, वो है अपने दोस्तों नीचे छोटा सा एक कंट्री अपना, जहाँ पे काफी सारे इंडियंस भी रहते हैं, मॉरिशस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, सीडीएस में आएगा, सीडीएस में आने के बहुत चांसेस है। सागर ऑपरेशन भी किया था हमने, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन अ रीजन, इंडियन ओशन में काम आता है ये हमारे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों पार्टनरशिप करी है ना, और ICEA के साथ में, ताकि जो बैटरीज है लिथियम की उसको उसको बेटर कर सके हम लोग। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर होगा आपका सीडेक। सीडेक के साथ में ये करार है जो कि रिसेंटली किया गया है, बिल्कुल सही बात है। सीडेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ना लिथियम आयन बैटरी के लिए किया गया है, ठीक है गाइस। एम क्या है कि आने वाले टाइम पे 30% ग्लोबल मार्केट है जो कि हम लोग कैप्चर कर लें, लेकिन ठीक है ये हमारा मोटिव है। मोदी जी आ गए किस शहर में? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, और जो इनका मेमोरियल है ना, जहाँ पे इनको है ना, जो इनका बरी किया गया था, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको आज तक देखा ही नहीं किसी ने, बहुत ही बुरी हालत है। ये दोस्तों कहाँ पे बनाया गया? अलीगढ़ के अंदर है, ठीक है गाइस, अलीगढ़ के अंदर है जो कि इनका बनाया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है AMU, वहाँ की जमीन भी का एक पोर्शन है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, प्रताप सिंह जी के द्वारा। चलिए, कौन सी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के साथ में MOU साइन किया डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर? 5 कंपनियों ने किया था जिसके अंदर आपका बहुत सारी थी, ये तीनों भी थी, तो डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिससे रेडियो एक्टिव डेटा लिया जा सकता है, कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर होगा वापस से दोस्तों सेम आंसर, ठीक है, सेम कंट्री, चाइना। ठीक है, चाइना बोल बोल के थक गया मैं तो। ठीक है, 24 दोस्तों गायफॉन सीरीज की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया,
ओके, जिससे ये क्या करेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एफर्ट के ऊपर काम करेगा, ठीक है गाइस। चलिए, कौन से स्टेट ने नए पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए हैं, ठीक है गाइस। अभी रिसेंटली जो अपॉइंट करे गए वो तमिलनाडु ने करे हैं, वहां पे काफी डिमांड चल रही थी कई सारे कॉप्स की। ओके, तमिलनाडु ने नए पुलिस कमीशन, सॉरी कमिश्नर नहीं है, कमीशन है, सॉरी आई एम नॉट, ध्यान रखना, कमीशन लॉन्च किया, पुलिस का कमीशन। कैसे नया रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं पब्लिक के साथ में, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर बात की जाएंगे, यानी कि कुल मिला के जो सुस्त पड़ चुकी दोस्तों पुलिस को इम्प्रूव करने को लेकर बोला गया है। आगे बात करते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट लॉन्च किया गया बॉर्डर की पेट्रोल करने के लिए, हमने बात करी थी इसके बारे में, हमने बात करी थी कि इसराइल ने दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया है जो कि बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा है ना, एक कंपनी है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया रोबोट्स को, ठीक है। लास्ट के 50 क्वेश्चन बचे हैं, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 25 मिनट के अंदर, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाना चालू कर दो। लूका, जिनके रिसेंटली मृत्यु हो गई, ठीक है, कौन से कंट्री के एम्बेसडर थे, कॉन्गो के अंदर थे एक्चुअली के अंदर, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका इटली, इटली के दोस्तों एम्बेसडर थे, कॉन्गो में थे, जिनके रिसेंटली जिनको मार दिया गया था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर बनाने के लिए, कौन से राज्य के साथ में मिलकर इसको बनाने के लिए बोला है, जल्दी बताइए कौन से राज्य के साथ में, आंसर हो जाएगा आपका डी कर्नाटका, कर्नाटका के साथ में मिलकर ऐसा किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में किसने टॉप किया है, बताइए। एयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो उदयपुर दोस्तों यहाँ पे नंबर वन है जो कि बना है, ठीक है गाइस, इनके द्वारा सर्वे किया गया, उसके बाद में मदुराई, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे। हंटर किलर्स, ओके बताइए, हंटर किलर्स दोस्तों कौन सी आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों किससे, इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं जो कि रिसेंटली रिक्रूट करे गए हैं, ठीक है गाइस। इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है कि हम लोग 118 अर्जुन मार्क वन हंटर किलर्स हैं जिनको प्रक्यूर करेंगे, समझ गए मेरी बात, ये दोस्तों अर्जुन टैंक है ना उसी तरीके से है, 17,000 साल पुराना हिस्टोरिक पेंटिंग कहां पर मिली है, 17,000 साल पुराना, बहुत ही अजीब बात है, ये मिली थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सही वो है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, कंगारू की पेंटिंग है, ओके गाइज, बहुत ही पुराने लोगों के द्वारा मिली है। ऑगुमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम आर्मी के द्वारा लिया गया है, कौन सी आर्मी के द्वारा, हेड के ऊपर आप इनको लगा सकते हो ऑगुमेंटेड रियलिटी को लेकर, काफी मदद है जो कि ये करेंगे, तो ये किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा प्रक्योर करे गए, ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट सीरिया, कौन से कंट्री ने अप्रूव किया है मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट सीरिया, ठीक है जल्दी बताइए, एक्चुअली में क्या है, कई सारे ईरान के मिलिटेंट है, मिलिटेंट है जो कि सीरिया में एक्टिव है, उन्हीं को लेकर यूएसए ने ये ऑर्डर है जो कि रिसेंटली दिए थे, समझ गए मेरी बात। कोविन पोर्टल को कौन सी कंपनी के साथ में मैपिंग की गई है, आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा मैप माई इंडिया, ये मैपिंग कंपनी है जिसने इंटीग्रेट किया है कोविन पोर्टल को, कहां पे आपको वैक्सीन लग सकती है इसको लेकर बताया गया है। अर्टिका एम दोस्तों सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च करी गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसके द्वारा, रशिया, भी आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये क्या करेगा, आर्टिक रीजन के अंदर क्लाइमेट को मॉनिटर करेगा, समझ गए मेरी बात, आर्टिक रीजन के ऊपर रशिया का बहुत ही ज्यादा कीन इंटरेस्ट है। ओके, व्लादिवोस्तक वाला जो एरिया है वहां पे हमने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑयल के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड डीसी सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है, आंसर क्या हो जाएगा, WHO के द्वारा इसको रिलीज करी गई, ठीक है गाइस।
नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, ये WHO के द्वारा ही दोस्तों, सही है क्या? हाँ ठीक है, इसको UNFCCC, सी आंसर होगा, WHO नहीं होगा यार, WHO नहीं होगा, UNFCCC आपका सही आंसर होगा। ठीक है, UNFCCC जो है ना, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश करेगी COP26 से पहले। COP26 कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए, द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिटिल फुट का जीवाश्म किस देश में खोजा गया है? ये फॉसिल है एक एक्चुअली में, जो कि रिसेंटली पता किया गया है। ठीक है, कहां पे किया गया है? साउथ अफ्रीका के अंदर, तो बी आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, फॉसिल है ये, बहुत ही पुराना फॉसिल है, ह्यूमन के ओरिजिन की जानकारी इससे मिलती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट जो कि जो दैट हैव रीच्ड ग्रेट एज एंड बेयर नो विजिबल साइन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? ऐसा फॉरेस्ट जहां पे किसी भी प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटी के कोई भी साइन देखने को नहीं मिले हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। ठीक है गाइस, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट एक वर्जिन फॉरेस्ट है, जो कि 1/3 वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है ना, वो ओल्ड ग्रोथ ही है। ये आपको रशिया, ब्राजील, कनाडा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही कम है दोस्तों, जो कि आपको इंसान के चीजें काम करते हुए देखने को मिलेगी। BWF स्विस ओपन सुपर 300 किसके द्वारा जीता गया, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, कैरोलिना मारिन, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है दोस्तों, इनके द्वारा इसको जीता गया। PV सिंधु को इन्होंने हराया था, है ना, कैरोलिना मारिन बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। मार्च 2021 तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला पहलवान कौन है? सभी को मालूम है, इस बार के ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की बेस्ट रेसलर मानी जाती है विनेश फोगाट। इन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड के नंबर वन पोजिशन पर रह चुकी है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन फाइनल टेस्ट, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन का सबमरीन के अंदर किसके द्वारा टेस्ट किया गया, ये आपको बताना है। टेस्टिंग का काम कौन करेगा भाई? DRDO तो करेगा, क्योंकि सबमरीन का मामला है ना, बाकी तीनों का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। ठीक है, उडुपी रामचंद्र राव किस क्षेत्र से संबंधित है? ओके, कर्नाटका के अंदर इनको जन्म हुआ, इसरो में साइंटिस्ट थे, चेयरपर्सन भी थे, विक्रम साराभाई के अंडर में इन्होंने काम किया, और पहली सैटेलाइट जो थी ना आर्यभट्ट, वो इन्हीं के द्वारा उसके ऊपर काम किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेस साइंस, डी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइस, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ, विक्रम साराभाई के अंडर में काम किया। FIAF पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है फिल्मों में योगदान के लिए? कौन चुने गए इस बार है? अमिताभ बच्चन दोस्तों, आजकल ये भी जो है पान बीड़ी गुटके के ऐड में पड़ चुके हैं, आजकल ये भी पान बीड़ी गुटके का ऐड कर रहे हैं, आजकल हद ही हो गई। मतलब यार, शाहरुख खान तो कर आए गए थे, अभी ये भी लग गए इसके ऊपर, जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर। मतलब इनको देख के कितने लोग खाएंगे, ये इनका आइडिया ही नहीं है मतलब इस चीज़ को यार, बहुत ही बुढ़ापे में मतलब पता नहीं इतने पैसे का क्या करेंगे मतलब यार ये। चलिए ठीक है गाइस, आपदा किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? APEDA, एपिडा। ये बनाया गया है, जो बनाया गया था इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या एक्चुअली में एक्सपोर्ट का को लेकर है, फूड को लेकर, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री, यानी कि सी आपका सही आंसर होगा, उसके अंडर में इसको आना चाहिए, सही क्या? हाँ, ये लिखा हुआ 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा गहिरमत समुद्र तट, सभी को मालूम है ये तो, अरे बचा है बस, थोड़ा सा बचा है भाई, कर लो। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट जगह है पूरी दुनिया में मानी जाती है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किसके द्वारा विकसित किया गया है? नाम से पता लग रहा है क्या?
बिल्कुल सही जवाब है, नाम से पता लग गया होगा, आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान के द्वारा दुनिया का मोस्ट सुपर फुल पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो कि बनाया गया है। कौन सा देश 18 देशों में एंटी डंपिंग टैक्स ऑन एल्यूमिनियम जो है वो लगाने वाला है? ये लगाने वाला एक ही है भाई, और किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती, यूएसए। ठीक है, किस कंपनी ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मित्र नामक व्हाट्सएप एपीआई सक्षम चैटबोट है जो कि लॉन्च किया है? इससे क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल करवाई जाएगी। एक स्टार्टअप है जो कि किसके अंडर में है, जो कि वाहन नाम का है। ये आपका सही आंसर है, वाहन नाम का एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नीदरलैंड आपका सही जवाब होगा। ठीक है गाइस, SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसने किया है, किस संगठन ने किया है? जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, DRDO आपका सही आंसर हो जाएगा। DRDO के द्वारा इस तकनीक की शुरुआत करी गई है। अगला क्वेश्चन, BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता? ये तो मैंने अभी आपको बताया ना, गलत क्यों कर रहे हो, मैरिन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन, किसने इसको होस्ट किया है? इसको होस्ट करने वाला है जापान, डी आपका सही आंसर होगा। डसलिंग दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है? डसलिंग का आंसर हो जाएगा, डसलिंग होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड के अंदर है जो कि इसको करवाई गई है। सातवीं बार बजट दोस्तों दिल्ली सरकार का किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। फाइनेंस मिनिस्टर भी यही है, एजुकेशन मिनिस्टर भी यही है, और डिप्टी सीएम भी यही है ना, खतरनाक पोजीशन। बंदा काम भी करता है वैसे, काफी ठीक है वैसे कंपैरेटिवली। पंडियों में इस्तेमाल होने वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का अंतिम परीक्षण किस संगठन ने किया? अभी अभी बताया आपको, DRDO सही आंसर है। भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन मानव रहित हवाई पट्टे पर दिए गए हैं? किससे लिया है हमने हेरॉन? आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने लिए हैं दोस्तों इजराइल से, तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइस, कराईकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कराईकल पोर्ट के बारे में आपको बताना है। आंसर के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों केरला, केरला के अंदर सिचुएटेड है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला आपको मालूम है दोस्तों कौन बन चुकी है? PV सिंधु। ठीक है गाइस, फर्स्ट वुमेन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसके ने जीती है? ये जीती है दोस्तों आपके ओकॉन करके पर्सन है, इनके द्वारा जीती गई थी, ये देखिए ओकॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर होता है कि बड़े प्लेयर ना जीते, इसीलिए पेपर में आ सकता है। महिला बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस बार दोस्तों महिला बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो थी ना, वो ताइवान की प्लेयर थी जिसका नाम है चेन। डी आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, चेन ने इस बार गोल्ड मेडल जीता। किस देश ने वहां रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने का फैसला दिया है? गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, 10 साल का रेसिडेंटशिप आपको वहां पे रहने के लिए मिलेगा UAE के द्वारा। ठीक है, महिलाओं की 400 मीटर बांधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? विश्व रिकॉर्ड दोस्तों बनाया गया 51 सेकंड के अंदर 400 मीटर करी गई, सिडनी की है दोस्तों मैगलॉन। सी आपका सही आंसर है, सिडनी आंसर, सिडनी नाम ही इसका सिडनी है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो।
कृषि संगठन स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य किया है? एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए हैं? कौन लगाएगा भाई? मौसम विभाग वाला, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करे गए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत? अभी तक टोटल दोस्तों 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाने की बात करी गई है। 32 प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम हो रहे हैं। 11 कॉरिडोर जो है वो सेटअप करे गए ऐसा बताया गया है, ये देख सकते हो आप। किस राज्य ने मालदीव स्टाइल वाटर विला सेटअप करने के लिए बोला है? मालदीव में वाटर विला मिलते हैं ना, बहुत ही फेमस है, 30-40 हज़ार रुपये रेंट होता है, बहुत ही। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे जो सेटअप करने के लिए बोला गया है, ये किसके द्वारा बोला गया है? ये लक्षद्वीप के द्वारा बोला गया है। सी आपका सही आंसर होगा, वाटर विला स्थापित करने के लिए। ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस बार हॉकी में, तो कौन से देश को हराया ये आपको बताना है। हमने दोस्तों जर्मनी को हराया था, बी आपका सही आंसर है, जर्मनी को हमने हराया था। ठीक है गाइस, हथकरघा दिवस कब आता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। डी आपका सही जवाब है, पेपर में पूछते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे। मेजर ध्यानचंद की आत्मतक कथा का शीर्षक क्या है? जल्दी बताइए। देखिए, गोल नाम की ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसकी है? मेजर ध्यानचंद की है, ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल बन सकता है। इनके नाम के ऊपर अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल गया दिया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय के औजार सीखो और कमाओ योजना लॉन्च करी है? सीखो और कमाओ स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किस सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में हुआ था तो उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी, नाम बदलने में बहुत ही फेमस है, बात बात पर नाम बदल देती है। हाल ही में किस साल का किस बैंक ने फिनटेक एक्सीलेटर प्रोग्राम शुरू किया है? फिनटेक की बात करें, एक्सीलेटर प्रोग्राम तो इक्विटस करके है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सा संगठन इमेजिंग डिजिटल 2021 का मेजबान है जो 11 अगस्त को शुरू हुआ था? इमेजिंग डिजिटल 2021 ये किया गया है ऑटोमेटिक एनीवेयर INC करके एक कंपनी है। सी आपका सही आंसर होगा, उसके द्वारा इमेजिन लॉन्च किया गया। किस संगठन ने हैंडबुक लॉन्च करी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? ये कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग, तो डी आपका सही जवाब है। RBL बैंक ने पार्टनरशिप करी है कौन से बैंकिंग सोल्यूशन के साथ में? तो ये पार्टनरशिप करी है इन्होंने Amazon के साथ में। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया गया है? एजेंसी बैंक के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा सी, RBL। ओके, इनको किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड एलिफेंट डे दोस्तों जो मनाया जाता है, यह आपके 10 अगस्त को मनाया जाता है। साथ में गाइस, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो SSC के अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट GS आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में दो मेरी स्पेशल क्लास होगी कल से, सुबह 10 बजे और एक शाम में 6 बजे। दो स्पेशल क्लास है कल से। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपके CGL या SSC या फिर रेलवे में आ चुके हैं, तो ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेफरल कोड लगाना है BHU10 या Bhunesh10, आपको 10% ऑफ 30+ एग्जाम कैटेगरी में मिल जाएगा, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC। ठीक है, साथ में गाइज आज हमने 200 क्वेश्चन करे हैं और ये क्वेश्चन आपके CDS, GD, MTS, SBI का जो आपका मेंस एग्जाम है, ओके, और भी आपका जो भी स्टेट का एग्जाम है, सभी जगह पे काम आएंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएगा। साथ में मैं आपको बैंक की और डिफेंस के अलग से भी करवा दूंगा आने वाले दिनों में। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है
या नहीं कर रहा तो भाई आप एक अपने दोस्तों के साथ में मिलकर एक बच्चे की एजुकेशन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 500 रुपये में पर मंथ में आप एक बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। वो बच्चे बहुत ही अंडर प्रिविलेज बच्चे होंगे जिनको स्कूल कभी भी नहीं जाते अगर आप उनको स्कूल नहीं भेजते तो, और इन बच्चे की पूरी डिटेल आपको अवेलेबल हर मंथ करवा दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह वापस 5 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।